हेलो गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है सिमीज वर्ल्ड्स में। आज हम लोग मशरूम बनाने जा रहे हैं। अभी मैंने मशरूम केवल लिया है, ये आधा किलो मशरूम है। पहले इसको हम गर्म पानी में धो लिया। अभी मैंने इसको सबको गर्म पानी में डाल दिया है। पहले गर्म पानी में मैं डाल लूंगा। मशरूम को अच्छे से धुल लेना चाहिए क्योंकि ये जमीन पे उगता है और इनके बैक्टीरिया भी थोड़े से मर जाते हैं। ज्यादा गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल गर्म पानी आप लीजिएगा। दोस्तों ये नॉर्मल गर्म पानी था। इसमें मैं थोड़ा सा मशरूम को रगड़ रगड़ के थोड़ा साफ कर ले रही हूँ। फिर फ्रेश पानी से इसको धुलूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। अब मैं इसको फ्रेश वाटर से धुल गई हूँ और आप इसको दो तीन बार धुलिएगा क्योंकि ये जमीन से ही उठता है। दोस्तों अब मैं मशरूम काट रही हूँ। आपको जिस स्टाइल से काटना हो काट लीजिए। मैं इसको मशरूम को फोर पार्ट्स में काट रही हूँ। आपको जैसा मर्जी हो आप अपने स्टाइल से काटिए। मैं इसको पतले पतले काट रही हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ इसके बाद मैं क्या करूँगी। दोस्तों आप इस सारे मशरूम को काट लीजिए और उसके बाद आप दोस्तों आपने देख लिया है कि मैंने सारे मशरूम काट लिए हैं। अब इसको मैं धीमी आंच में फ्राई कर दूंगी तेल में। दोस्तों मैं अपने मशरूम को धीमी आंच में तेल में सबसे पहले फ्राई करूंगी। तो हमारे मशरूम यहाँ पे मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं। आइए तब तक हम लोग अपने मसाले तैयार करेंगे। दोस्तों मैंने आधा किलो वो लिया था मशरूम्स एंड मैं उसके साथ फोर ओनियन ले रही हूँ। कुछ गार्लिक के टुकड़े लिए हूँ। एक गार्लिक भी ली हूँ और दो तीन टुकड़े जिंजर के लिए हूँ और तीन पीस चिली, क्योंकि चिली में थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। मैं चिली पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। आइए काटते हैं। दोस्तों हम ओनियन को रफली काट लेंगे। मैं बहुत इसमें वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको हमें फ्राई करनी है, थोड़ी सी शेलो फ्राई। दोस्तों एक कढ़ाई ले लीजिए। आप इसमें पहले थोड़ा सा प्याज आप भून लीजिएगा। ये रेस्टोरेंट की तरह लगेगा आपको मशरूम आप इस तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा सा प्याज को हल्का सा सुनहरा भूरा करना है, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। दोस्तों थोड़ी सी ब्राउन कलर आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा हल्का क्रंचीनेस रहना चाहिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ। हल्का सा ब्राउनिश कलर हल्का सा आएगा प्याज में, बस उतना ही हमें फ्राई करना है। फ्राई जब तक फ्राई हो रहे हैं, चलिए ये भी छोटे पीसेस में कर लेते हैं। टमाटर भी लिया है और दो टमाटर से इस ग्रेवी में बहुत गाढ़ापन आएगा, इसके भी हम छोटे छोटे स्लाइस काट लेते हैं। देखते हैं हमारे प्याज जो है भून रहे हैं, अभी इन्हें पकाने लगे हैं। बस हल्का सा ब्राउन करना है, इसको हम निकाल रहे हैं और इसी में अब हम अपने टमाटो डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें हम टमाटो डाल दे रहे हैं और ये जितने भी हैं इसको हम ऐसे ही लहसुन अदरक मिलता है वो भी डाल दे रहे हैं क्योंकि इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। अब इसको थोड़ा सा ढक दे रहे हैं दोस्तों, ये थोड़े से टमाटर पक जाए जिसके लिए हम इसमें, हाँ गाइस आपको पता ही है टमाटर डालने के लिए नमक की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा टमाटर गल जाता है गलने देते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं अपने मशरूम। देखिए मशरूम थोड़े से फ्राई हो रहे हैं और हमारे मशरूम थोड़े से और फ्राई हो जाएं तो उसके हम निकालते हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने गर्म मसाले क्या क्या लिए हैं। दोस्तों मैंने गर्म मसाले ले लिए हैं। ये तो मैं तड़के में डालूंगी। तेज पत्ता है, एक पत्ता है और थोड़े से धनिया है। इधर जीरा लिए हैं और ये है एक, मुझे नाम नहीं पता लेकिन इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। दोस्तों ये मसाला बहुत है, देखिए ब्लैकिश सा है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है इसको पीसने पे। और ये दालचीनी ली हूँ, बड़ी इलायची, छोटी छोटी चार इलायची ली हूँ, काजू ली हूँ और दो तीन लौंग ली हूँ और ये काली मिर्च तीन चार ली हूँ और धनिया। तो अपने टमाटर देख लेते हैं कैसे हैं। हल्के से हमें इसको पकाने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने हैं क्योंकि इसका हमें टेस्ट बनाना है। दोस्तों ये रेस्टोरेंट में इसी तरीके से बनाया जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों ये थोड़ा सा अभी और पकना है टमाटर। जब तक टमाटर हमारे में पक जाएंगे तब तक हमें थोड़ा सा इसको पकाना है। हम ढक देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब तक ये देखिए मशरूम दोस्तों हमारे सूख के कैसे हो गए, छोटे छोटे आप देखे होंगे पहले कितने हो गए, अब इसके कलर भी चेंज हो रहे हैं। अब ये लगभग हमारा मशरूम फ्राई हो चुका है दोस्तों। आइए तब तक हम अपने मसालों को आप भूजेंगे। दोस्तों आइए मशरूम देखते हैं। मशरूम फ्राई करने से दोस्तों मशरूम में बहुत क्रंचीनेस महसूस होता है और मशरूम की पहचान है कि दोस्तों जब आप इसको फ्राई करेंगे तो उसमें आपको मशरूम की हल्की सी महक आएगी फ्राई की, तो समझ लीजिएगा आपका मशरूम फ्राई हो गया है। वैसे ये लगभग हो गया है दोस्तों। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और अपने आप में मसाले पीसूंगी।
दोस्तों देख रहे होंगे हमारे टमाटर गल गए हैं। अब बस हमको ज्यादा नहीं इसको पकाना है, क्योंकि अब इसको हमें डीप फ्राई पीसने के बाद भी करना है, इसलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे टमाटर गल गए हैं। तो आप बस इसको बंद कर दीजिए, अब इसको हम जार में डालते हैं। हमारे दोस्तों हमारे टमाटर पीस गए हैं, अब हम जार में डाल रहे हैं, क्योंकि हमको होटल स्टाइल बनाना है, इसलिए हम अपने ये मसालों को डाल के पीसेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी पीस तो सकते हैं। देखिए हमने जार में डाल लिया है अपने मसाले, और ये गर्म ही है, अब हम इसको चला लेते हैं, जल्दी पीस जाएंगे। पत्ता डाल रहे हैं, और जो हमने पेस्ट अभी पीसा था प्याज टमाटर का, मिर्चे का, अदरक का, वो हमारा हो गया है। अब इसको भी अब इसी तेल में डालेंगे। अब इसको दोस्तों आप मीडियम आंच में भूजिएगा, और आप देख रहे होंगे इसका कलर कैसा दिख रहा है अभी। अब ये इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर जब तक ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों हम लोग अपना मसाला भूज रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये एक अजीब से अभी येलो कलर में है। अभी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमारे ये सारे मसाले, तब तक हमें इसको फ्राई करते रहना, और आप इसको चलाते रहिएगा बीच बीच में, इसमें टमाटर आपका हल्के से पकड़ना है दोस्तों। हाँ दोस्तों ये देखिए हमारा टमाटर पक रहा है, इसको चलाते रहिएगा दोस्तों, ये नहीं तो इसे पकड़ सकता है आपका, और जब तक चलाना है दोस्तों जब तक इसमें तेल ना छोड़ जाए। धीमी आंच में तब तक पक रहा है, चलो गाइस ये धीमी आंच में पक रहा है, तब तक हम अपना खड़े भजा है। गाइस जो सारे मसाले लिए थे मैंने, अब उसको मैं एक साथ डाल रही हूँ, और एक साथ ही पीस दूंगी। सीमेंट भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लेकिन मुझे घर के बनाए हुए मसाले खड़े से ही ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं घर के ही ले रही हूँ। दोस्तों आइए फिर से टमाटर के पास चलते हैं, अब टमाटर देखते हैं कैसा हो गया है। देखिए कम हो गया है दोस्तों, इस टमाटर को अभी भूनना है, अभी ये हुआ नहीं है, ये अभी खुद खुद ये टमाटर ब्राउनिश रेडिश कलर में हो जाएगा। वही टमाटर वाला पानी भी ले लिया, क्योंकि मुझे पेस्ट ही बनाना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया, क्योंकि इसको भी मैं उसी में डालूंगी दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारे टमाटर भून गए हैं, अब हम इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और जो हमने खड़े मसाले पीसे थे वो डालेंगे, डालते हैं। दोस्तों देखिए हम लोग की ग्रेवी कितनी डिलीशियस दिख रही है, अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिए, तो आपको जैसा तीखा तीखा चाहिए। और इसी समय हम अपने हल्दी पाउडर भी डाल दे रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे कैसे तेल तेल छोड़ दिया। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे इसके कलर कितना फाइन हो गया, पहले कैसा कलर था और अब देखिए कैसा कलर हो गया, इसका मतलब हमारे मसाले धुल गए हैं, अब हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं जो हमने पीसे थे। और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे दोस्तों, इस मसाले को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, इसमें से भी आप तेल छोड़ देंगे। मसाले पीस रहे हैं, भून रहे हैं, अब उसमें वही हमने जो मसाले का पानी है वो डाल दे रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारे मसाले भी तेल छोड़ने लगे हैं, हमारे मसाले भी फ्राई हो गए हैं, अब आप इसमें ये मैंने तो रोस्टेड मटर लिया है, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप फ्रेश मटर उसमें थोड़ी देर डालकर पकाइएगा, लेकिन मेरे तो रोस्टेड मटर है, मैं इसी साथ मटर और मशरूम एक साथ ही डाल दूंगी। दोस्तों देखिए मेरा तेल छोड़ दिया है, आप कढ़ाई में देख सकते हैं, देखिए इसका कलर कितना फाइन और कितना खूबसूरत, इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग इसमें अपने मटर और मशरूम डालेंगे। दोस्तों मटर और मशरूम हमने डाल दिए हैं, और इसको हम चलाते हैं, और उसके बाद इसमें हम आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, आप अगर सब्जी रोटी से खाना चाहते हैं तो ऐसी रहने दीजिए, और अगर आप चावल से खाना चाहते हैं तो इसमें ग्रेवी लगा लीजिए, लेकिन हम तो चावल से खाएंगे दोस्तों। गाइस हम लोग इसको चावल से मजेदार से खाएंगे, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है, ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई हूँ मैं। गाइस मैंने अपने मशरूम फ्राई कर लिए थे, इसलिए हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं इसको ग्रेवी के लिए अपने मनपसंद से पानी डाल दे रही हूँ, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो अब इसमें रखिए, और उसके बाद मजे से खाइए दोस्तों। अब इसको दो गाइस जब तक उबाल नहीं आता है उसके बाद मैं आप दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका कलर कितना फाइन, लुक कितना डिलीजियस, मतलब बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई हूँ दोस्तों। एक बार बनाएंगे दोस्तों आपको बार बार बनाने का मन करेगा, मशरूम इस तरीके से बनाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं नमक बताना भूल गई, आप नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल लीजिएगा। गाइस अब मैं इसको ढक दे रही हूँ, अब इसकी एक दो उबाल आने दीजिए, उसके बाद मैं धनिया पत्ते से गार्निशिंग करती हूँ, और आपको फिर इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कितने मजेदार लजेदार हमारा मटर मशरूम रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होता है। ये हमारा मटर मशरूम में उबाल आ रहा है, इसमें अभी और थोड़ी देर पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप देख रहे हैं कितना डिलीजियस कितना लजेदार लग रहा है,
आप इसकी गाढ़ी ग्रेवी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन अभी हमको चावल के साथ खाना है इसलिए हम थोड़ी सी इसकी ग्रेवी और गाढ़ी करेंगे। दोस्तों हेलो गाइस, हम लोग अब देखते हैं हम लोग का ये हो गया है कि नहीं मशरूम मटर। देखिए गाइस ये हो गया है, इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पाउडर धनिया पत्ता डाल देते हैं। गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट पे कोई गलती हो तो उसे माफ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाई हूँ और बस ये मेरी हाल ही की ही एक दो वीडियो पहले की भी बनी हुई है। प्लीज गाइस उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये मेरा बन गया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।